Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video I am going to discuss BCom Honors Semester 2nd Corporate Accounting Code 2241201 and yes I am providing you the Corporate Accounting Solved Assignment. ये जो आपका assignment है ये दो video में होगा. इसमें part 1 मतलब question number 4 A और B part कराऊंगी और इसके बाद next question कराऊंगी. वो हो सकता है पहले वाला हो मतलब 1, 2, 3 हो, तो आप लोग ये अलग तरीके से नोट करना एक जगह पे. नाउ अब कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करती हूँ. तो ये मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड किया है क्योंकि आंसर्स तो सब लोग प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर आपको सिर्फ आंसर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग जल्दी से स्क्रॉल करके देख लेना. अदरवाइज जिन लोगों को एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है कि मैम एक्सप्लेनेशन, ये ऑथेंटिकेटेड वीडियो बार बार मैंने यूज़ किया था, ऑथेंटिकेटेड आंसर्स प्रोवाइड करूँगी, तो ये ऑथेंटिकेटेड है, प्रॉपर है कि नहीं, इसके लिए मुझे पूरे के पूरे आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा और होपफुली ये आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी. सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स. दैट इज़ भारत लिमिटेड परचेज कर रहा है प्लांट एंड मशीनरी फॉर 20 लाख रुपीस फ्रॉम दिल्ली मशीन लिमिटेड और उनको 5 लाख रुपए दे रहा है. तो 20 लाख रुपए वो क्या कर रहा है, सामान खरीद रहा है और 5 लाख तो उसने पूरे दे दिए. अब बचे कितने, 15 लाख वो चेक से दे दिए. बाकी जो बचे 11% डिबेंचर्स ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%. अच्छा, प्रीमियम ये तो पता होगा कि प्रीमियम जो होता है वो ऐड हो जाता है, प्रीमियम ऐड होता है, ये तो पता होगा आप लोगों को. हाँ, तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड फॉर द अबव ट्रांजेक्शन. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड. तो सबसे पहले मैं वर्किंग नोट प्रोवाइड करूँगी, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी. बट वर्किंग नोट आप लोग बाद में मेंशन करोगे और जो सॉल्यूशन है, जो आपका प्रॉपर जर्नल एंट्री का सॉल्यूशन है, वो आप लोग पहले प्रोवाइड करोगे. सो मैं आ जाती हूँ आप लोगों का इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए. मुझे दूसरा पेपर ऑन करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्किंग नोट की. वेट अ सेकेंड, I have to add a new different color. Okay, yes. Now, working note की बात करते हैं. Working notes. अब अगर मैं working note की बात करूँ तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे भाई कि debentures कितने हैं. Calculation of, बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी. Number of डिबेंचर्स, राइटिंग अगर नहीं समझ आए तो मैं इसलिए बोल रही हूँ. कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे कैलकुलेट होंगे, परचेज प्राइस, ये फॉर्मूला है, परचेज प्राइस अपॉन में इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर. अभी मैंने आप लोगों को क्या समझाया, परचेज कितना है, 20 लाख था जिसमें से मैंने 5 लाख तो तुरंत दे दिया, बचा कितना, 15 डिवाइड बाय 100 का एक शेयर है, प्रीमियम ऐड होता है 120. तो जो मेरी फाइनल अमाउंट होगी इसके बाद, इसको मैं रेस करूँगी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो. नाउ अब इसके बाद जो आपकी अमाउंट होगी दैट इज 15 लाख और नीचे कितना बचेगा, 120. ज़ीरो से ज़ीरो एलिमिनेट, ये कैंसिल आउट होगा तो ये आपका आ जाएगा 12500 डिबेंचर्स. ये हुआ आपका वर्किंग नोट. वर्किंग नोट आएगा बाद में, सॉल्यूशन आएगा पहले. अब मैं जर्नल एंट्रीज प्रोवाइड कर रही हूँ आपको, ठीक है, जर्नल एंट्रीज बताऊँगी कैसे कैसे लिखनी है एंड ऑल दैट. तो सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट के हिसाब से कैसे बनता है फॉर्मेट, सबसे पहले आती है डेट, फिर आता है आपका पर्टिकुलर, फिर आती है आपकी दोनों अमाउंट. अच्छा, डेट में आप लोग को डेट गिवन नहीं है यहाँ पे, तो आप लोग क्या कर सकते हो, 1, 2, 3 डाल देना. यहाँ पे डेट मेंशन करोगे, यहाँ पे पर्टिकुलर,
यहाँ पे एक एलएफ का कॉलम आएगा, यहाँ अमाउंट। ओके सो सबसे पहले जर्नल एंट्री जो मैं बता रही हूँ ये आपको इसी फॉर्मेट के अंदर लिखनी है। पहला पॉइंट डाल के क्या लिखोगे, ये डेट के कॉलम में आ गया। सबसे पहले आपने क्या खरीदा है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, किसे खरीदी है, दिल्ली मशीन लिमिटेड से। ठीक है, और इसमें नरेशन क्या आएगी, बीइंग द प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड, कितनी अमाउंट आएगी, 20 लाख। पूरा अच्छे से लिखोगे, ये पहले कॉलम में डालोगे एंड देन 20 लाख। ये हो गई आपकी पहला पॉइंट, समझ आ गया कैसे किया, क्योंकि मशीनरी खरीदी थी इतने रुपए की। नेक्स्ट सेकंड जर्नल एंट्री, उसी के अंदर आगे कंटिन्यू करोगे, दिल्ली मशीन लिमिटेड टू बैंक अकाउंट 5 लाख, 5 लाख तुरंत दे दिए ना मैंने, इतने पैसे चले गए। ठीक है, क्या लिखोगे इसका नरेशन, बीइंग 5 लाख बाय चेक। ओके सो ये हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट इज थर्ड जर्नल एंट्री क्या होगी, दिल्ली मशीन लिमिटेड अकाउंट टू 11% डिबेंचर, कितने परसेंट डिबेंचर थे, 11%, और उसके साथ साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम आता है, क्रेडिट होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, और अगर डिस्काउंट होता है तो डेबिट होता है, ये लोग ये चीज़ें तो आपको पता होंगी। तो ये कितनी कितनी अमाउंट होगी, यहाँ पे आपका 15 लाख आ जाएगी पहले कॉलम में, उसके बाद आपकी आ जाएगी 12,50,000, देन आ जाएगी आपकी 2,50,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम में, और नरेशन क्या रहेगी, बीइंग रिमेनिंग पेमेंट मेड बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स एट अ, इसको नोट कर लो, एट आ उसके आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, प्रीमियम ऑफ 20%। ये हो गई आपकी नरेशन कंप्लीट। अब मैं प्रोवाइड तो दो क्वेश्चन करने वाली थी, बट अब आप लोगों के रिस्पॉन्स, आप लोगों का रिस्पॉन्स देखते हैं कि आप लोगों का रिस्पॉन्स किस तरीके का आता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और इस पर आप लोगों ने फीडबैक दिए कि मैम एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड करो, तो आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँगी, अदरवाइज मैं डायरेक्ट आपको आंसर प्रोवाइड कर दूँगी, क्योंकि ये लेंथी हो जाएगी बहुत ज़्यादा वीडियो। ओके तो अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे, अगर आप लोग बोलोगे तो एक्सप्लेनेशन के साथ, नहीं बोलोगे तो डायरेक्ट आंसर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हेल्प।